बहुत से स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे मेरे पास के नेस जे एस से स्टार्ट लें या फिर एच टी एम एल सी एस एस से स्टार्ट लें वो पूछने ये चाह रहे थे कि टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लिए तो नेक्स्ट क्वार्टर से जो है नेस जे एस आ रही है तो टाइप स्क्रिप्ट के क्या मैं बताते चलूँ कि कुछ टॉपिक कुछ लौट के रह गए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनकी रिमेनिंग है तो वहां से वो स्टार्ट लेंगे दोबारा से और उस टॉपिक को कवर करके फिर नेस्ट जी के ऊपर शिफ्ट होंगे तो नेस्ट जी के लिए आप uh, डायरेक्ट के स्टार्ट ना लें uh, उसके लिए लाजमी है कि आपकी ने ती, आपको तीन लैंग्वेज आना लाजमी है एच टी एम और फिर तीसरी लैंग्वेज जो है वो दो में से एक ऑप्शनल है जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट ठीक है अब हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी तो टैप स्क्रिप्ट हमने सीख ली है तो फिर जावा स्क्रिप्ट की हमें जरूरत नहीं है हम यूज करने वाले हैं तो तीन लैंग्वेज हो गई एस टी एम एल सी एस एस और टाइप स्क्रिप्ट हो गई फॉर ये तीन लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए बहुत से स्टूडेंट यानी मिजोरिटी जो है वो एस टी एम एल जानते हैं और कुछ क्वांटिटी कम है सी एस एस के, के स्टूडेंट्स की सी स्ट, एस एस मतलब तकरीबन जानते हैं लेकिन कम है वो एज कम्पेयर टू एस टी एम एल लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट जिन, जिनको एस नहीं आती तो उनके लिए हम आ, जो है बहुत जल्द एक सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप क्या कर सकते हैं फिर एस सीख सकते हैं नेस्ट जी का फर्स्ट लेक्चर आ गया है जिनको नेस्ट जे जिनको एस टी आती है तो वो नेस्ट जी से स्टार्ट कर सकते हैं ये हमारे चैनल के ऊपर नेस्ट जी का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखना सीखा है और देखिए कि नेस्ट जे क्या है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से और कहाँ पर करते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें एस टी एम एल की तो जो स्टूडेंट एस टी एम एल की जिनको नॉलेज कम है चीजें कम पता है तो वो उनके लिए ये प्लेलिस्ट मौजूद है एस टी एम एल यह एस टी एम एल टू एडवांस एस टी एम एल के नाम से है इसमें चार वीडियो मौजूद है तो आप इससे देख सकते हैं और एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वालों में एच टी एम एल का नया बैच भी जिसमें हम स्टार्ट से सीखेंगे कि एस टी एम एल क्या है और एस टी एम एल के साथ साथ सी एस एस कवर करेंगे और वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे यानी कि वेबसाइट हम बनाएंगे क्योंकि नेस जो है वेब डेवलपमेंट का ही काम है कि वेबसाइट जो डेवलप होती है उसी के ऊपर ही हम वर्किंग कर रहे होंगे और एस वगैरह कर रहे होंगे तो इसके लिए लाजमी हमारे पास एस टी एम एल सी आना टाइप स्क्रिप्ट तो हमने सीख ली है तो टाइप स्क्रिप्ट का यह है कि आ, आ, जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है तो थोड़े से प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करके टैब्स की भी अपनी कमांड जो है कंप्लीट करें यानी टाइप ऐसा नहीं है कि टैब स्क्रिप्ट को बिल्कुल ही छोड़ दे टैब स्क्रिप्ट पढ़ ली और आपको आ चुकी है पूरी अगर आ चुकी है तो अच्छी बात है जिनके लॉजिक वगैरह बिल्ड वगैरह कम है सेंटेक्स वगैरह में प्रॉब्लम है चीजें वो पिक नहीं कर पा रहे तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अभी टाइम है क्योंकि क्वार्टर स्टार्ट होने में अभी थोड़ा बहुत टाइम है फॉरन क्वार्टर स्टार्ट नहीं होगा लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा तो जितने भी आपके पास टाइम मिलता है हफ्ते दो हफ्ते जब भी स्टार्ट होगा क्वार्टर अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई तो उस वक्त तक आप प्रैक्टिस करें क्योंकि कोडिंग नाम ही प्रैक्टिस का है और इसी के साथ एक और बात ये कि भाई जो काफी कम रिस्पांस आया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक्सपेक्ट ज्यादा रिस्पांस कर रहा था कि आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ है कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में अपना रिस्पांस दीजिए कि आप लोगों का टेस्ट हो गया है तो कैसा हुआ है टेस्ट ठीक है और रिज़ल्ट का काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे तो रिजल्ट का अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई कोई अपडेट नहीं आई क्योंकि इस वजह से नहीं आए क्योंकि टेस्ट वगैरह चेक हो रहा है इस वजह से अभी तक कोई डेट दे नहीं गई जैसे ही रिज़ल्ट पूरा कंपाइल होगा उसी उसी जल्द से जल्द आपको शेयर कर दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है तो काफ़ी ज़्यादा लोट है पूरी टीम के ऊपर तो वो जैप लगे हुए हैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इसीलिए टाइम लग रहा है टोड़ा और क्योंकि रिजल्ट कंपाइल करने में टाइम लगता है क्योंकि रिजल्ट की एक्यूरेसी भी चेक की जा रही है कि प्योरा रिजल्ट जो बनाए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट लिया गया है और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज वे में टेस्ट लिया गया है बहुत अच्छे क्रेडिट तो बनता है कांग्रेस करने का पूरी टीम को गवर्नर से ने आई कोर्स की जी जिस तरीके से उन्होंने आप सब लोगों का टेस्ट लिया है इसी तरीके से जो है तो आप समझ गए होंगे एच टी और टाइप स्क्रिप्ट एन के लिए आना लाजमी है तो आप पहले इस पे आए और फिर उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट ने बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे पहले पहले ही सीख चुके थे कोर्स से से तो वो .js से स्टार्ट करें और ने प्रटिस करे कोडिंग क्योंकि क्योंकि आप जितना जल्दी आगे का सीखेंगे जब क्लास होगी उस टाइम पे आपको आसानी रहेगी क्योंकि जैसे टाइप स्क्रेन हमने पहले से सिखाई भी थी फिर जब क्लास लेते थे तो उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाती थी जो चीज पहले से सीखी हुई हो और फिर आप क्लास लेने जाते हैं तो फिर आपके कि okay, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है फर्स्ट क्लास में आप पहले से सीख रहे होते हैं तो जो भी आपके सवाल होते हैं तो आप ऑन द स्पॉट क्लास में वो सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आपको पता है मेरे पास यही चीज़ क्लियर नहीं थी पिछली दफ़ा जब हमने जहाँ से भी सीखा था तो अब मुझे जो है टीचर से यह सवाल करना है अगर कॉन्सेप्ट को ये चीज़ दोबारा से अगर क्लियर नहीं हो पा रही तो आप सवाल करके ऑन द स्पॉट ही उसको क्लियर कर लेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है और आपको जो है ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है सीखने में तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे जैसे रिजल्ट आएगा रिजल्ट की जो भी अनाउंसमेंट होगी वो भी इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और क्लासेस की जब से स्टार्ट होगी क्लास के जो क्वार्टर टू जब से स्टार्ट होगा उसकी भी आपको बता देंगे तो बर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगाफिज़